हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? जब सबको जय श्री राम। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मेट्रो स्टेशन आई हुई हूँ, जहांगीरपुरी के मेट्रो स्टेशन आई हूँ। और हम जा रहे हैं कालका जी। आवाज़ यहाँ शोर बहुत हो रहा है। मैं जा रही हूँ कालका जी। पहले भी गई थी तो उस टाइम मैंने व्लॉग नहीं बना पाई थी, अब मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं कालका जी आई हूँ और मेरे साथ इतने सारे लोग आए हुए हैं। आज आप सबको दिखाती हूँ ये मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने लोग आए हैं। देखो सारे वहाँ पे खड़े हुए हैं। ये मेरा चुक्कू, ये अंशु, ये टिंकी, टिंकी का भतीजा है ना, अंशु की बहन है बिट्टी निक्की। अगला स्टेशन कालका जी मंदिर है। हम तो उतर गए हैं, अब आ रही है मेरी सिस्टर। सिस्टर को भी बुलाया है। हम लोग पहले आ गए, अब बहन आ रही है। आ गई। A few moments later. So guys, मंदिर में बहुत ज्यादा ही भीड़ थी, इसलिए हम पहले लोटस टेम्पल घूमने आ गए। यहाँ पे घूमने के बाद ही हम मंदिर घूमेंगे। सब लोग आप सब देख सकते हैं, वो देखो लोटस टेम्पल। अरे बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात लोटस टेम्पल, लोटस वो उसकी पहले ही फोटो ले ली मैंने। यहाँ पर सब लोग हैं। तो गैस यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे तीन तरह की प्रेयर होती है जो हमें सुनने के लिए मिली यहाँ पर। और दिन को रात बेजान में से जानदार को निकालता है, और जानदार में से बेजान, और जिससे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। तो हमने अंदर प्रेयर भी सुन ली है। और ये देखो, देखो मेरे बच्चे, मौसम भी इतना बढ़िया मौसम हो गया, इतना अच्छा लग रहा है। जब हम आए थे तब तो इतनी गर्मी हो रही थी और एकदम मौसम ठंडा हो गया अचानक से। क्या हवा गोमा दीदी, माया दीदी कहते अपना हो गया, चलो चलो बोल दे, चलो चलो। जब उसने बोला ना, उसने सरस्वती वंदना जैसे खत्म करा ना, तो मुझे डाते ये बोल दे कि चलो चल लो भाई। कैसा लगा? अच्छा है ना, शांति। ये तो शांति नहीं रहने वाला। तो कैसा लगा? मजा आया ना। अब चलते हैं यहाँ से कालका मंदिर, है ना। कालका मंदिर ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। ऊपर से इतना ठंडा मौसम हो गया, बारिश आने वाली है। बारिश में है। अंशु थोड़ा नच लो, थोड़ा भांगड़ा आंगड़ा कर लो। यहाँ पर करेंगे तो फिर निकाल देंगे बाहर, बोलेंगे। समझ रहे हो आप? चलो यहाँ से बाहर करना। तुम भी शुरू कर दो ब्लॉगिंग करना। कुछ नहीं, मेरी हेल्प कर देना ब्लॉगिंग करने में, ठीक है। मैं कैसे जैसे मैं बोलूंगा ना, वैसे वैसे तुम बोलना। क्या बोला भाई? हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो सारे वहीं इंतजार कर रहे हैं। सारी गायब हो गई, सारी कोई भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। सारे बाहर ही मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं कालका जी। A few moments later. तो गाइस हम स्टोन मंदिर आ गए थे क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा ही भीड़ थी कालका जी में। तो हमने सोचा है मंदिर बंद होने वाला है, तो इससे पहले हम यहीं पे घूम लेते हैं पहले। ये
मामा दिखा रहे हैं। क्या बोला तूने? मामा दिखा रहे हैं। ये मंदिर काफी सुंदर है। मेरा उस तो मैं तुझे ही शूट करूँ बस। मैं नहीं मानता। मेरा उस तो मैं तुझे ही शूट करूँ बस। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये देखो कितनी खुश लग रही है। ये मंदिर यहाँ पर जो भी आता है बिल्कुल खुश हो जाता है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। देखो कितना प्यारा ये। होली में जा नहीं पाए तो हम यहीं पर आ गए। अच्छा भी लग रहा है। मैं बोल ही रही थी कि मथुरा जैसा लग रहा है पूरा। दिल्ली में दर्शन करिए इस्कॉन टेम्पल का, राधे रानी जी का, राधे कृष्ण जी का। काम कालका जी आए थे, काम सब जगह घूम रहे हैं। Few moments later. So guys, हमने कालका जी की माता रानी के दर्शन करे थे रात के 8 बजे। पहले हमने सारे मंदिर घूम लिए थे, फिर उसके बाद हमने रात को दर्शन करे थे माता रानी के, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल भीड़ नहीं थी, एकदम खाली था। तो गाइस, कालका मैया रानी जी का भी अच्छे से दर्शन हो गए थे हम सबके। उसके बाद हम मंदिर घूमे थोड़ा सा, जितना भी वहाँ पर है तो हम लोगों ने मंदिर घूमे, और लास्ट में हम गए थे हर हर महादेव।
दर्शन हो गए अच्छे से। हवन कुंड, हवन कौन चढ़ा रहा है? चढ़ा तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।